बदल गया है, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉमिक मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 24 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री वेंकटेश सिने चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल आदित्य पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ प्रवीण मुख्य भूमिका में। फिल्म एक कलारी नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्यम तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और स्पारण प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय, छागन इवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने। उनके पिता पांडियन जो एक स्टिल फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम के 2080 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम 2080 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनके अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संगीतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदम के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन से मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त थे।
को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 22/3 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 22/3 को चेन्नई में पहले सेंगल के साथ सूर्य फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 22/4 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर की राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सेल प्यार प्रेमा कदम 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विंटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दस्ते और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 22/4 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 22/4 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टुडे के जानकी ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसार सुंदर ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेसा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कविन के लिए ही कविन राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली शिष्टि काना कानून कलगन के कॉलेज संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने SR प्रभाकरन की सत्रियाना 22/7 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंत मित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जुड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते हैं। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 22/9 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई।
उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और वैसाही के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 22 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। हदीदी पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरन के नाटक टाइम सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल के लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपनी चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दुष्ट कुवैतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 22 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तॉमी मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 22 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट इंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलारी नमक की एक युवा की कहानी है जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्यम तक फिल्म का समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत दीवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय छागन दीवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैसाही के रूप से सफर रही। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टिल फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन के 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संगीतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदन के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म
युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए प्लॉट पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंडल के साथ सुरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सेवन प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और सिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टूडे के जानी की ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाम के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसार सुंदर ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेसा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली शिष्य काना कानून कलगन के कॉलेज संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक शिवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सर्वनंद मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सर्वनंद मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के लिए पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने SR प्रभाकरण की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंत मित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू थेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें
एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि निर्माता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 मिमिट्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। अदिति पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मरकर मकरन के नाटक टाइम्स बॉय को देखा जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपनी चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दोस्त को व्यतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 224 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट इंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म एक कलारी नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्यम तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत युवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और इस बार प्रदीप ए राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय छागन युवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर रही। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में
हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेम कलर 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था, वो उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संवाद के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेम कलर के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्में युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए प्लॉट पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंडल के साथ सुरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सिंगल प्यार प्रेमा कदल 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विंटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल फिल्म 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है, भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। इंडिया टुडे के जानी की ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसर सुंदर ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेसा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कॉलेज संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सर्वनंद मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सर्वनंद मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के लिए पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने SR प्रभाकरण की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला।
विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अर्धमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जुड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि निर्माता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायी के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। अदिति पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मरकर मकरन के नाटक टाइम्स बॉय को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दोस्त को व्यतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 224 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत दीवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और इंस्पायर प्रदीप ए राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय छागन दीवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैसाही के रूप से सफर रही। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टिल फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है।
क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण, जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम की 2018 के बाद में जैसन किरण के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण, जिन्होंने प्यार प्रेम कदर 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संजय कार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेम कदर के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्में युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद, जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरलीधरन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रहे थे। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरुली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंडल के साथ सुरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सिंगल प्यार प्रेमा कदम 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की द्वारा हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है, भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। इंडिया टूडे के जानी की ने 2.55 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाम के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसर सुंदर ने 2.55 स्टार दिए और लिखा, स्टार निस्संदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेसा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन को क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलियर संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान वे तैयार का उनका चरित्र एक
चतरी चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरम की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अर्धमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। अदिति पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मरकर मकरन के नाटक टाइम्स सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दोस्त को व्यतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 224 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तौर VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत दीवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासु के ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय छागन दीवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैसाही के रूप से सफल रही। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में
फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है, क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन की 2018 के बाद में जैसन एरन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदर 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। वो उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संजतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदर के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्में युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए प्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिने चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरुली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंगल के साथ सुरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर की राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सहमत प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल वाले सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की द्वारा हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल रिलीज 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मा पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टुडे के जानकी ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुशा सुंदर ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेशा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन को क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिए संस्कारण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक शिवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक
थायु मानवन ने और सरवनन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवनन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2015 के लिए पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरण की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंतमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू थेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते हैं। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशन के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। अदिति पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरन के नाटक टाइम सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल के लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दुष्ट कुवैती के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 224 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्यम तक फिल्म का समाप्त हो गया।
फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि 56 तेजी आरासु की ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली, जिसमें क्वीन और लाल के अभिनय, 56 इवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैसाही के रूप से सफल रही। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है, जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है, क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम की 2018 के बाद में देशन एरन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संजयकार के दौरान निर्देशक ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कथल के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म जीवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए प्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर इवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जिन्हें वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिने चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रहे थे। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 2023 को चेन्नई में पहले सिंगल के साथ सुरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सिंगल प्यार प्रेमा कदम 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की द्वारा हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मा पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है, भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। इंडिया टूडे के जानकी ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुशा सुंदर ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निस्संदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की
गोवा नेता सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को स्मृति है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कविन के लिए ही कविन राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिए संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरण की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंतमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानु थेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाता है। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 221 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। अदिति पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरंद के नाटक टाइम सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दोस्त को व्यतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 224 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कविन मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कविन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित कविन
नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू, इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजीर आरासु की ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली, जिसमें क्वीन और लाल के अभिनय, छागन इवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैसाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है, जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है, क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संजयकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदर के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म जीवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए प्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर इवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिने चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहनकर और प्रीति मुगुनदन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 2023 को चेन्नई में पहले सिंगल के साथ सूर्य फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सहमत प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की द्वारा हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दी और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है, भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। इंडिया टूडे की जानकी ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा,
हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुशा सुंदर ने 2.55 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेशा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिय संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चतुर चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरण की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंतमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानु थेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाता है। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 221 में सहायक निर्देशन के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। हदीदी पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरम के नाटक टाइम्स सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपनी चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दोस्त को व्यतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 224 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिनी चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है।
इसमें लाल आदित्य पोहनकर, प्रीति मुकुंदन और गीता कैलासम के साथ प्रवीण मुख्य भूमिका में। फिल्म एक कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्म कांस समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया, कि छागन तेजीर आरासु के ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली, जिसमें कवीन और लाल के अभिनय, छागन इवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैसाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है, जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टिल फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है, क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संगीतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदन के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवीन जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहनकर और प्रीति मुकुंदन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 2023 को चेन्नई में पहले सिंगल के साथ शुरू फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सिंगल प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल भले सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमर 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो और सैटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह
हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल रिलीज 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मा पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3/5 स्टार दी और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टूडे की जानकी ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुशा सुंदर ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुवन नेशा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिये संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पात्रों में से एक शिवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायू मानवन ने और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चतरी चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता क्रूस विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरण की सत्रियाना 22 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अर्धमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानु तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्तित्व की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 22/9 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22/1 में सहायक निर्देशन के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 22 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 22/4 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। हदीदी पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरम के नाटक टाइम सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल के लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22/4 में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट से गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दोस्त को व्यतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 22/7 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप
प्रीति मुखूदन की फैन हूँ और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हूँ और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 22 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर श्री चित्र और राइज ईस्ट इंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल आदित्य पोहनकर प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित कवेज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्म का समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासु के ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय छागन जीवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संवाद के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदम के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म जीवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेक्टर सिनी चित्रा के प्रमुख VVSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राइज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहनकर और प्रीति मुखूदन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंगल के साथ सूर्य फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है जो क्वीन के साथ उनके पहले सिंगल प्यार प्रेमा कदम 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल बोले सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को
अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दस्ते और तीसरा चौथा एकल क्रमांक 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सैटेलाइट अधिकार जी तमिल की द्वारा हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टुडे के जानी की ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसर सुंदर ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेता सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिए संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चतुरित चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के लिए पसंदीदा अभिनेता क्रूस विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरण की सत्रियाना 22/7 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंतमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानो तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्तित्व की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाता है। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 22/9 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22/1 में सहायक निर्देशन के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11/2022 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 22/4 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। हदीदी पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरन के नाटक टाइम्स बॉय को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल के लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22/4 में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए
उन्होंने खुद को एक दुष्ट कुवैती के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहन कर के खलनायक क्षेत्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 22 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिनी चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्री निधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल आदित्य पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलाशम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्मकान समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि 56 तेजी आरासू के ने किया है और इस बार प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय, 56 जीवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संजयकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदम के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म जीवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VVSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति पोहनकर और प्रीति मुखूदन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंडल के साथ सूर्य फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई।
संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सैलेंट प्यार प्रेमा करण 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकांश स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई। पहला एकल भले सुपर स्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और सिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमक 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिटाई 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टुडे के जानकी ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसार सुंदर ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निसंदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेता सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कविन के लिए ही कविन राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिए संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता क्रूस विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरण की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अर्थमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानो तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्तित्व की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 229 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 224 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। हदीदी पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और पुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मरकर मकरम के नाटक टाइम्स सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी
मराठी फिल्म लाइव हाज 22 फिल्म एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहन कर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपनी चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दुष्ट कुवैती के रूप में कल्पना की। लाइव हारे पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहन कर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉमिंग मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 22 फोर की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिनी चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल आदित्य पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ प्रवीण मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्य तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और इस बार प्रदीप ए राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें कवीन और लाल के अभिनय, छागन इवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा? जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम के 2080 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदम 2080 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनके अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संगीतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदम के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म जीवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VVSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति पोहनकर और प्रीति मुखूदन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई।
दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 2023 को चेन्नई में पहले सेरियल के साथ पूरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर की राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सेल प्यार प्रेमा कदल 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई। पहला एकल भले सुपर स्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमक 4, 20 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टुडे के जानी की ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसर सुंदर ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निस्संदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेशा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कविन के लिए ही कविन राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कलिये संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक सेवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सरवणन मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सरवणन मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के लिए पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने एस आर प्रभाकरम की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अर्थमित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाते। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि धर्मता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म 29 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 2024 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। अदिति पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते।
पोहन करनी थिएटर से अपना करियर शुरू किया और पुनासदी कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरम के नाटक टाइम सुबह को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल की लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहन कर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दुष्ट कुवैतीन के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहन कर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 24 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिनी चित्र और राइज ईस्ट एंटरटेनमेंट के तहत BVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल आदित्य पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ प्रवीण मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलाई नमक की एक युवा की कहानी है जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्यम तक फिल्म का समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत इवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और स्पारन प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें क्वीन और लाल के अभिनय, छागन इवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर है। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने। उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। वो उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संगीतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदन के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म युवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख BVSN
प्रसाद जिन्होंने आवेश 22/3 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति को हल्कर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 22/3 को चेन्नई में पहले सेंडल के साथ सूर्य फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर की राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सेवन प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विटेज लॉ की मेलोडी और जिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 4/20 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार्ट 10 मई 22/4 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है। भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, इंडिया टुडे की जानकी ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसार सुंदर ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निस्संदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेसा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कविन के लिए ही कविन राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली उपस्थिति काना कानून कलगन के कॉलेज संस्करण के माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक शिवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सर्वनंद मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सर्वनंद मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र एक चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने SR प्रभाकरण की सत्रियाना 22/7 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंत मित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू तेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ पटकथा विकसित की। फिल्म में उन्हें ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन मुख्य किरदार से मिलने के बाद बदल जाता है। फिल्म कई बार देरी से गुजरती क्योंकि निर्माता तमिलनाडु में इसे व्यापक रूप से रिलीज करना चाहता था। फिल्म अन 22/9 में मित्री की समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उन्होंने डॉक्टर 22/1 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी रोमांटिक वेब सीरीज आकाशवाणी 11/2022 को रिलीज हुई। उन्होंने समीक्षकों की तरह प्रशंसित और व्यवसायी के रूप से सफल फिल्म दादा में अभिनय किया। 22/4 में उनकी फिल्म स्टार को सकारात्मक से लेकर मित्र की समीक्षा के साथ रिलीज किया गया।
हदीदी पोहनकर के लिए ही समीक्षकों की पोहनकर ने अदिति पोहनकर का जन्म सुधीर और शोभा पोहनकर के घर हुआ था। दोनों ही एक एथलीट है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने एथलेटिक्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर और 20 मीटर के दौड़ में पदक जीते। पोहनकर ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और पुनासती कुनी तारी में उनकी पहली फिल्म भूमिका थी। उन्हें निर्देशन निशिकांत कामत ने देखा जब उन्होंने मुंबई मकरंद के नाटक टाइम्स बॉय को देखा, जहां अभिनेत्री ने 7 साल के लड़की की भूमिका निभाई थी। कामत ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म लाई भारी 22 फिल्म में एक भूमिका के लिए 2 दिनों की स्क्रीन टेस्ट गुजरा और उनकी स्वभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया। पोहनकर ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कामत ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में जो करना था वह करने की स्वतंत्रता दी और अपने चरित्र में उतरने के लिए उन्होंने खुद को एक दुष्ट कुवैतीत के रूप में कल्पना की। लाई भारी पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें पोहनकर के खलनायक चरित्र की प्रशंसा। यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों से एक बन गई। 27 में पोहनकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तॉमी मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रीति मुखूदन की फैन हो और स्टार मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। स्टार 24 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन ने किया। इस फिल्म का निर्माण श्री विक्टर सिने चित्र और राइज ईस्ट इंटरटेनमेंट के तहत VVSN प्रसाद और श्रीनिधि सागर ने मिलकर किया है। इसमें लाल अदिति पोहनकर, प्रीति मुखूदन और गीता कैलासम के साथ कवि मुख्य भूमिका में। फिल्म में कलारी नमक की एक युवा की कहानी है जो विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करता है। शुरुआत में ही हरेन कल्याण को मुख्य भूमिका में लिया गया था लेकिन बाद में उनकी जगह कवीन को लिया गया। अगस्त 2023 में इस फिल्म की घोषणा संभावित सेंस कवीज नेक्सट के तहत की गई थी और आधिकारिक सेंस की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू। इसे मुख्य रूप से चेन्नई में शूट किया गया था और फरवरी 2024 के मध्यम तक फिल्मकांड समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत दीवान शंकर राजा ने तैयार किया कि छागन तेजी आरासू के ने किया है और इस बारे प्रदीप ई राघव ने किया है। स्टार को 10 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों और दर्शकों से मित्री से लेकर सकारात्मक की समीक्षा मिली जिसमें क्वीन और लाल के अभिनय, छागन दीवान शंकर राजा के सामने और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की गई लेकिन एलन की पटकथा और लेखन की आलोचना की गई। फिल्म वैशाही के रूप से सफर रही। कलैया रासन की उर्फ कलई और एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी एकमात्र अंक कक्षा एक अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में जगह बनाने उनके पिता पांडियन जो एक स्टेटस फोटोग्राफर है उनके सपनों के लिए एक सहारा है क्योंकि कलई की इसे हासिल करने के लिए कई हद तक जाता है। क्या कलई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएगा और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगा। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन की 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। जून 2019 में हरीश कल्याण जिन्होंने प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद निर्देशन एलन के साथ एक सफल सहयोग किया था। उनकी अगले निर्देशन के लिए बाद में सहयोग करने की सूचना मिली थी। टी शिवा की अध्यक्षता वाली अमर क्रिएशंस कथित तौर पर उगम का निर्माण करेगी। 4 दिसंबर 2022 को एक संगतकार के दौरान निर्देशन ने परियोजना की पुष्टि की। प्यार प्रेमा कदन के बाद निर्देशन के साथ अपनी दूसरी लगातार फिल्म में जीवान शंकर राजा को स्कोर बनाने के लिए ब्रोड पर लाया गया था। कथित तौर पर युवान को उनकी भागीदारी के लिए 6 करोड़ का भुगतान किया गया था। उगम के प्रोडक्शन हाउस स्क्रीन सीन मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसंबर को एक सार्वजनिक की घोषणा की। आधिकारिक सेंस स्टार की घोषणा उस दिन एक प्रचार पोस्टर की गई थी। अगस्त 2023 में कवि जी ने वादा
दादा 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था और निर्देशन के लंबे समय के दोस्त को मुख्य भूमिका के लिए कल्याण की जगह लेने की सूचना मिली थी। 27 अगस्त को श्री वेंकटेश सिनी चित्रा के प्रमुख VBSSN प्रसाद जिन्होंने आवेश 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत की और राज ईस्ट इंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे सत्यरूप में संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर को आदिति कोहलकर और प्रीति मुरुगनाथन दोनों को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने की गई। दोनों पहली बार क्वीन के साथ जोड़ी बना रही थी। यह फिल्म 27 की फिल्म जेमिनी गणेशनम की सुरोली राजनम के बाद अदिति की दूसरी तमिल फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी वन जून 2023 को चेन्नई में पहले सेंडल के साथ सुरी फिल्म का आधा हिस्सा 3 जनवरी 2024 को पूरा हो गया था। मुख्य फोटोग्राफी 7 फरवरी तक पूरी हो गई। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर युवान शंकर के राजा की तरफ रचित है, जो क्वीन के साथ उनके पहले सेवन प्यार प्रेमा कदन 2018 के बाद एलन के साथ दूसरा ऑडियो आधिकार स्टोरी म्यूजिक इंडिया की तरफ खरीदी गई थी। पहला एकल कॉलेज सुपर स्टार रजनीकांत के जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को अवसर पर जारी किया गया था। विंटेज लॉ की मेलोडी और सिमिकी की गजल के दूसरे दृश्य और तीसरा चौथा एकल क्रमश 420 और 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। 20 गानों वाला एक एल्बम 4 मई को रिलीज हुआ। राजा के पूर्व पिता 26 की स्टार 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो और सेटेलाइट अधिकार जी तमिल की तरह हासिल किए गए और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 7 जून 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की यही खूबी हमेशा स्टार को जीवित बनाती है, भले ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। इंडिया टूडे के जानी की ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उनके जीवन के भावनात्मक और प्रेरक दस्तावेज से कहीं ज़्यादा एक सीरीला बनकर रह गया। टाइम्स नाव के मणिकंदन के आर ने 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि यह उस मुकाम तक पहुंचने से इनकार कर देता है, सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म बनाकर रह जाता है। OTT प्ले की अनुसर सुंदर ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, स्टार निस्संदेह को एक फिल्म होती थी जो तमिल सिनेमा के सूखे को ख़त्म कर सकती थी, फिर भी फिल्म अभी भी कुछ जादू और विश्वास पैदा करती है। द हिंदू की भुआ नेसा सुंदर ने लिखा कि यह केवल इन क्षणों को समृद्धि है और फिल्म के निष्क्रिय अच्छे इरादे जो स्टार को गिरने पर भी चमकते हैं और समीक्षकों के लिए ही कवि राज के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक लोयोला कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान राज ने स्टार विजय के ऑडिशन में भाग लिया। टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी पहली शिस्ती काना कानून कलगन के कॉलेज संस्करण की माध्यम से थी, जिसमें वे मुख्य पत्रों में से एक शिवा के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार विजय पर काम करना जारी रखा। धारावाहिक थायु मानवन में और सर्वनंद मीनाक्षी के पहले सीजन में सहायक भूमिका में दिखाई दी। सर्वनंद मीनाक्षी के दूसरे सीजन में राज को शुरू में एक प्रतिपक्षी की भूमिका दी गई थी, लेकिन शो के दौरान बेटायान का उनका चरित्र चाप से गुजरा और मुख्य भूमिका में आ गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और 2050 के पसंदीदा अभिनेता पुरुष विजय टेलीविजन पुरस्कार जीता। राज ने SR प्रभाकरन की सत्रियाना 227 में सहायक भूमिका में मिला। विक्रम प्रभु और मंजिमा मोहन अभिनेत की सत्रियान को अंत मित्री समीक्षा मिली और फिल्म में ऐश्वर्या दत्ता के साथ एक डॉक्टर की भूमिका को भी मित्री की प्रतिज्ञा मिली। नट पूना अरनानू थेरी योमा ने उन्हें निर्देशन शिव अरविंद के साथ जोड़ते देखा, जिनसे वह स्टार विजय के साथ अपने कार्यकाल के दौरान परिचित हुए थे। उन्होंने एक साथ